ओके सो दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट और मे बी द सेकंड टाइम आई एम वॉचिंग दिस कॉमेडियन ऑन माय चैनल. इससे पहले मैंने कभी इनका कोई ज्यादा देखा नहीं है बिकॉज वन ऑफ हिज रूटीन्स वाज वेरी पंचिंग डाउन सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सो आई डोंट लाइक टू प्रमोट कॉमेडियंस हु लाइक पंच डाउन या हु मेक फन ऑफ पीपल हु आर नॉट एज लकी एज दे माइट बी, यू नो. मेरी नजर में बहुत छोटी और आसान तरीका है किसी के ऊपर जोक बनाना अगर वो आपसे ऑलरेडी कम है किसी चीज में. यू नो इफ समबडी डजंट हैव समथिंग यू हैव लाइक मनी और पावर और प्रिविलेज और एनीथिंग लाइक दैट, उसका मजाक उड़ाना बहुत हलवा काम है. कोई कमाल नहीं किया आपने, कोई जीनियस नहीं था उसमें. तो दैट्स व्हाई आई वाज अवॉइडिंग दिस. बट इतने लोगों ने रिक्वेस्ट किए कि प्लीज 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 देश का युवा देखो, देश का युवा बाय विपिन गोयल. सो लेट्स गो एंड चेक आउट देश का युवा बाय विपिन ग्रोवर. अनलीश होने वाला हूं मैं. ये टॉपिक कुछ ऐसा है और मेरा होम लोन भी पूरा हो चुका है. आत्माराम कॉलेज में क्या कर रहे हो आप? बिकॉज क्राउड वर्क से स्टार्ट हो रहा है. कौन सा कॉलेज है सर? आई आई एम इंदौर. अपने शो में ऑडियंस भी इंटेलिजेंट है सर. इट्स एन ऑनर फॉर मी to perform in front of the sharpest minds of this country who couldn't make it to IIM Ahmedabad. Is that better? There are better speech. तो मैंने देखा जब हम कॉलेज के फेज ऑफ लाइफ में होते हैं ना, हमारे लाइफ के फंडे ही हिले होते हैं यार. जैसे हम लोग रियल प्रोफेशनल वर्ल्ड में किसको लेजेंड्स बोलते हैं? सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी इन्वेंट की. मैं कॉलेज में क्या सर, हमारे कॉलेज के लेजेंड है. क्यों सर? ये 24 घंटे गांजा फूंकते हैं. एक बंदे को इसलिए लेजेंड मानते थे क्योंकि उसने थर्ड ईयर में पेड़ को देख के हिलाया था. उसने मैंने नहीं, मेरी तरफ मत देखो यार ऐसे. तो हम लोग उसको प्यार से मांगलिक सर बुलाते थे. अबे जेल हो जाएगी, मत कर ऐसे जोक्स. ये मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ. इसलिए जब मोदी जी आके बोलते ना देश के युवा को पॉलिटिक्स में लाना है, नहीं मोदी जी नहीं लाना है. आपको आइडिया भी नहीं युवा पीठ पीछे क्या कर रहा है. इनका भरोसा है कुछ? आज पेड़ को देख के ला रहे, कल आपके लोटस को देख के लाएंगे. एक साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों का अपमान हो जाएगा. आपके लोटस को देख के बहुत आला यार. उनका सिंबल है ना मेरे ख्याल से, बहुत आला यार लोटस. देखा मैंने इसके अंदर भी एक इंटेलिजेंट जोक निकाला है. फालतू की गंदी बात नहीं कर रहा हूं. एकता कपूर को ऑल्ट बालाजी नहीं है ये. ओके लेट मी जस्ट पॉज फॉर अ सेकंड. ही इज अ वेरी 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 गुड कॉमेडियन. ठीक है, ये तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बारे में. इसका रिकॉर्ड अपने, यू नो, हिज डिस्कोग्राफी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. लाइक इसका जो रेज्यूमे है, इसका जो प्रोफाइल है, वो अपने अपने बारे में खुद बताता है. कोई वन ऑफ द मंजा हुआ पक्का स्टैंड अप कॉमेडियंस, एज गुड अ स्टैंड अप कॉमेडियन कैन बी, ही इज ऑन दैट लेवल. व्हाई इज ही नॉट मोर फेमस? आई मीन ही इज वेरी फेमस, नॉट डोंट गेट मी रॉन्ग, बट व्हाई इज ही नॉट फेमस अमंग द इंटेलिजेंट क्राउड? लाइक ही सेड कि बड़ा ऑनर हुआ आज इंटेलिजेंट क्राउड के आगे बात करके. इज काइंड ऑफ बियॉन्ड मी बिकॉज ही इज वेरी स्मार्ट ऑल्सो. इज नॉट जस्ट लाइक वो कि आपको बस एक सड़क पे चलते हुए पॉटी में पांव रख दिया वाले जोक सुना रहा है, कि यहाँ टट्टी पड़ी है वाला जोक सुना दिया. नथिंग, नो शॉर्ट्स एट कुनाल. बट ही इज वेरी स्मार्ट विद हिज जोक्स, राइट? ही इज वेरी, कभी कभार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कभी कभार बहुत स्मार्ट भी है. सो या समटाइम्स आई फील लाइक ही गेट्स रॉब्ड ऑफ ऑल द एस्टीम दैट ही डिजर्व. फेम तो है मैं मानता हूँ, एस्टीम मिसिंग है थोड़ी सी. तो वो एस्टीम आती है जब व्हेन यू स्टार्ट पंचिंग अप इंस्टेड ऑफ पंचिंग डाउन. एंड आई थिंक ही इज डन दैट एज अ कॉमेडियन टू. ही इज ट्रांसफॉर्म्ड दैट इनटू दैट काइंड ऑफ अ कॉमेडियन. एकता कपूर को ऑल्ट बालाजी नहीं है ये. आप तो उल्लू है पाले लग रहे हो मेरे को. इज दैट अनदर डर्टी प्लेटफॉर्म? आजकल आपने देखा हर पॉलिटिशियन अपनी स्पीच में, भले मोदी जी हो, केजरीवाल हो, राहुल गांधी, युवा 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 को पॉलिटिक्स में लाना है, युवा ये युवा वो. और मैं कह रहा युवा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? आपको क्या लगता है युवा फ्री टाइम में बैठ के देश के बारे में सोचता है?
कि देश की जीडीपी ऑफ फिस्कल डेफिसिट हूँ, नहीं वो सोच रहा 30 ml या 60 ml। युवा को सिर्फ पार्टी करनी है, 30 इनकी पहली डिमांड ये होगी पार्लियामेंट को गोवा में शिफ्ट करो यार। और ये बोरिंग डिबेट्स की जगह रैप बैटल्स करो। तो ये कांग्रेस का छोड़े, तुम सब नेहरू जी के कोटे। That's true, bro. That could very well happen. अब आंटी अपने आप को इंसाफ नहीं दिला पा रही। युवा का बेसिक टैलेंट ये, वो किसी भी चीज को एस्ट्रे बना सकता है, संतरे के छिलके को। हमारा कॉलेज में एक फ्रेंड था, वो चाइना से लाफिंग बुद्धा लेके आया था ऐसे करके। उसके मुंह के अंदर जो हमने सिगरेट भर डाले, उस बेचारे को लंग कैंसर हो गया था। Good job. युवा को सिर्फ पार्टी करनी है। कल को युवा अगर पॉलिटिकल पार्टी भी खोलेगा तो उसका नाम होगा आम आदमी आफ्टर पार्टी। देखो मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज पे जोक्स करता हूँ, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। आप लोग मुझे गांडू बुला सकते हो लेकिन प्रॉपर गांडू नहीं। क्या बात है, क्या बात है, what a good joke. इस तालियों का मतलब है आप लोग मुझे गांडू तो बना ही रहे हो। और यहाँ मुझे लगा नहीं ये तो मेरे अपने हैं, लेकिन आप भी शिवसेना के एमएलए की तरह निकले। Was that always his style of delivery? इस routine में शायद इसने नया tone adapt कराया, नया style try कर रहा है वो, क्योंकि लग नहीं रहा bro. He wasn't always delivering jokes like this, right? मुझे याद है मैंने चार पांच साल पहले इसके routines को देखे थे एक दो. So I was like, this is not his style. अभी जो लग रहा है देखे, maybe he's like I said, he's transformed, he's evolved. So could be a different thing he's trying. बहुत speech type है. अमित शाह की टीम बनाता है. मोदी जी के वैक्सीन सर्टिफिकेट पे अमित शाह की फोटो है। That joke doesn't work, but it still works. सिर्फ देश की युवती के बारे में सोच रहा है। ये लोकसभा में बैठ के भी टिंडर ही कर रहे होंगे उधर। ये देख मेरा राज्यसभा से मैच आ गया। कौन से तो बेहतर ही है ब्रो। वाटर फिल्टर। गुड रेफरेंस। अच्छा ये जोक फैक्चुअली रॉन्ग था। हेमा मालिनी राज्यसभा में नहीं लोकसभा में ही है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, लो। ये बात हेमा मालिनी को भी नहीं बताया। देश का युवा है, ये औकात का युवा की बताओ। दिन भर तो इंटरनेट पे कूपन को ढूंढता रहता है। कूपन को औकात क्या युवा की बताओ। चार युवा मिलके एक नेटफ्लिक्स अकाउंट खोल पाते हैं ये। इनके मुंह लगेंगे हम। आप क्या हंस रहे हो, आप तो टेलीग्राम वाले फ्री लोडर हो। ब्रो कोई शर्म नहीं। फिर एक और ट्रैक लेके आते पॉलिटिशियंस, युवा के फ्यूचर के बारे में सोचना है। I'm like, युवा खुद अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है। आप जाओ इंस्टाग्राम पे देखो, सुबह सुबह जो रील्स के नाम पे जो मुजरा चल रहा होगा। ला 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 ला
तो आज आत्माराम कॉलेज से बीकॉम नहीं करनी पड़ती। आत्माराम कॉलेज, that's his thing bro, he goes for easy target. That's why, this is why I don't watch Vipin Goyal ज़्यादातर. This is why Piyush Goyal के jokes जो है ना वो काफी ऐसे होते हैं, बहुत easy targets को जाता है ये. तो वो it's good to watch if you have nothing to watch. Sure, watch it. There are nothing against him, but he always goes for easy targets and it's like cool, but it's not like अपन कुछ और ढूंढ रहे हैं, right? और irony देख रहे हो, नेता बोल रहा है युवा के future के बारे में सोच रहा है, और युवा क्या सोच रहा है नेता के बारे में एग्जाम के दिन? क्या देश के किसी बड़े नेता की डेथ हो जाए प्लीज, एग्जाम कैंसिल हो जाए, नहीं देना पड़े. अभी रशिया यूक्रेन के टाइम युवा तो प्रार्थना कर रहा था कि प्लीज वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए. Damn. युवा हैशटैग चला रहा था 1-2-3 हमारा नेता पुतिन. अच्छा पुतिन. इस देश का युवा होपलेस है. मैं रियल किस्सा बता रहा हूं. मैं भी न्यूयॉर्क पे छोटे भाई की युवा पार्टी में गया. मैं वहां पे दारू पी के ये सिंगिंग गेम्स चल रहे थे. ओह माय गॉड, ये सारे हिंदी गानों में दिल को टिक से रिप्लेस करके गाना. ओह शिट, डिस्गस्टिंग. लेकिन युवा मगन होके गा रहा था घंटे तक. टिकटॉक पागल है ये. निकल गई कुड़ी गुजरात की, और निकल गई कुड़ी गुजरात मॉडल. सौरभ भाई वहां पे रेसिज्म चल रहा था, हम काले हैं तो क्या हुआ टिक वाले हैं ये सब. माय गॉड, मम्मी कसम यार, युवा की ये हरकत, ये मेंटल एज देख के मेरा तो मतलब डिगी टूट गया यार. He's very proud of that joke. क्या टिकट टूट गया. और मैं दिखदार आदमी हूँ, just like शशि थरूर. शशि थरूर ने बोला. शशि थरूर प्लेयर आदमी भाई. Yeah. अरे उनके नाम पे एक ड्रिंक भी बनी है, fuck boy मोहितो. रात भर बैठ के सोचा, रात भर बैठ के सोचा, फिर मुझे समझ में आ गया कि नेता लोग इतना युवा युवा क्यों कर रहे हैं. नए नए वोट बैंक है, लेकिन गेस व्हाट, युवा इतना हरामी है. युवा साला वोट डालने में ज्यादा आए, गवर्नमेंट छुट्टी दे दी और बाइक लेके रोड ट्रिप पे निकल जाता था. फिर से उठ चला. रिपोर्ट किधर है? इसे उड़ चला. गुस्सा दिला देते ये लोग. एक तो फिर से उड़ चला, एक तो युवा को ये लगता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन ये, बस बैग उठा के घूमी घूमी निकल जाओ. घूमी घूमी निकल जाओ. उसके लिए प्रधानमंत्री बनना पड़ता है. इतनी आसानी से नहीं मिलता ये प्रवेश लाइफ में. मोदी जी क्या बनता है? ला 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 ली ला 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 ली ला ला ला. सब जेल जाने वाले हम लोग. टोन कांस्टेंट है वो की शुरू से. अच्छा पिछले शो में एक बंदे ने मेरा स्कैम पकड़ लिया यार. विपुल तो बोलता है सारे पॉलिटिकल पार्टीज पे जोक्स करता है, तू बाकी पे एक दो करता है और बीजेपी पे 4-5 चिपका देता फट से. बोला हाँ हाँ, तो बीजेपी के जोक्स भी तो मेजोरिटी में होंगे. थोड़ी सी पैंडरिंग, सच में जेल थोड़ी जाना. युवा बैठे तो प्लीज बुरा मत मानना, मैं तो आप लोग को ब्लेम थोड़ी कर रहा हूँ यार. अरे युवा टाइम ही वैसा होता है कि बेफिक्र के मस्ती करनी और करनी भी चाहिए. देखो गांधी जी ने भी सारे आंदोलन 30 के बाद किए. 30 से पहले कुछ नहीं कर रहे थे. हाँ वो भी साउथ अफ्रीका में वंडरलस्ट कर रहे थे.
बात पता ही नहीं है। पता था अभी जितना फन करना कर लो, बाद में तो फिर खुद के बर्थडे पे ट्राइड होने वाला है। शिट फैक्ट्स। फिर उधर ही रहना है सोबरमती आश्रम में। सोबरमती आश्रम नमक की क्या कहानी है मुझे नहीं पता। क्रांति करनी पड़ रही। दंत क्रांति। देखो मेरा लार्जर पॉइंट ये है कि जब हम कॉलेज में से अनवर्दी लोगों को लेजेंड्स बुलाते हैं, राइट, चिल्लम सर, ओल्ड मॉन्ग सर, तो जो एक्चुअल लेजेंड्स होते हैं टॉपर्स, टॉपर्स का दिमाग खराब नहीं होता हुआ है। एक मिनट, एक मिनट, सर फिजिक्स ओलंपियाड टॉप किया, मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और मेरे को क्या बुलाते हैं लोग, मक्कू, किस्सू, किस्सू। कल असाइनमेंट बना के क्या मेरे को प्रॉप की रखेल बोल दिया इन्होंने यार। मेरे हाथ पे लिखता टीचर का टट्टा क्या मेरे से। टीचर का टट्टा कुछ भी। बर्थडे पे क्लीन शेव बना के क्या बैक बेंचर उधर खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वहां से मेरे को चिढ़ा रहा, ए छक्के इधर आ साले, औकात मेरे के बात कर रहा है मेरे से, तू समझा। टॉपर 50 लाख की जॉब लगी मेरी, ये कॉलेज से निकलने के बाद तेरी गर्लफ्रेंड की मेरे से अरेंज मैरिज होने वाली है। तू यहाँ बैठे बैठे गाने गाते रहना, फिर यहाँ पे देखे छोटा सा। Oh, nice callback. Yeah, man, Ashish Goyal is a very smart comedian, but I don't know, I always feel like it's very underwhelming whenever he does, बहुत underwhelming effect छोड़ के जाता है। आप बोलते हो this felt like it was epic, पर आप जब content के बारे में सोचते हो बोलते हो it wasn't epic that much, मतलब था सही था, अच्छा अच्छा content था, live show देखने में बहुत मजा आएगा। पर YouTube देखो difference है, YouTube पे वो चीज़ वैसे translate कभी कभार नहीं करती है, सिर्फ YouTube की बात नहीं कर रहा, platform की video की बात कर रहा हूँ, video पे, DVD पे, CD पे, digital पे, कभी कभार comedy उस तरह translate नहीं करती जिस तरह आप बैठ के जो experience करते हो ना। जब एक तो जैसे अजीज अंसारी है US में, there's a comedian, his name is अजीज अंसारी, he's a Sri Lankan comedian, usko Indian bhi samajhte hain bahut log, very funny guy, right, par uski zyada tar comedy jo hai na wo screen pe translate hoti hi nahi hai, kyunki uska stick kya hai ki wo chilla chilla ke apni punchlines deliver karta hai. Same goes for Kevin Hart. Kevin Hart ki comedy aap dekho, aap bolte ho okay, video pe aap hit nahi karti aapko waise. Same goes for Rishabh Goyal, iski comedy jo hai na wo hit nahi karti aapko screen pe, live show I'm sure bahut mazeka hota hoga dekhne mein, jab wahan khada hoga chilla raha hai ki kaam kab karoge macho, par usne ye line deliver kiya, I was like okay like ठीक है, वाज दैट अ जोक या क्या, आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली थी या क्या था वो। इट्स जस्ट मेरे दिमाग में अंडरवेलमिंग इज द वर्ड दैट कम्स व्हेन आई वॉच ऋषभ गोयल, दैट्स माय ओपिनियन ऑन हिज स्पेशली दिस स्टैंड अप रूटीन टू। इट्स अ गुड सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट, राइट, यूथ, यूथ क्या कर रही है, कंट्री की यूथ का क्या हाल चल रहा है, और पॉलिटिक्स के बारे में भी बीच में काफी चीजें ऑब्वियसली मेरे सर से भी गुजर गई क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हाउ दे वर्क और कौन क्या है, किसका नाम क्या है, ये सब चीजें मुझे नहीं पता, पर जितना पता है उसके हिसाब से इट्स ऑल लाइक वेरी गुड इनसाइटफुल थॉट प्रोसेस है इसका, आपको नजर आता है, राइटिंग है, सब है, बट देन अगेन वैसे ट्रांसलेट नहीं करता है वीडियो पे जैसे लाइव शो में करता होगा। सो या दैट्स माई ओपिनियन अबाउट शशांक गोयल एंड या